स्वागत। आज हम राजमा बनाएंगे, राजमा राइस, जीरे वाले राइस बनाएंगे और राजमा बनाएंगे। आज हमने राजमा को सवेरे भिजो दिया है, अब इन राजमा को हम कुकर में निकाल लेते हैं। सारा राजमा डाल दिया है और राजमा के अंदर हम एक चम्मच नमक डालेंगे और ये थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। एक कटोरी है में एक चम्मच है तेल डाला इसके अंदर, ये कटोरी में था तेल, ये डाल दिया। अब ये ना राजमा इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे कुकर से, ये तेल नहीं डालेंगे, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इनको उबालने के लिए रख देते हैं। राजमा को उबाल लिया है, देखो राजमा उबल चुके हैं और इनको ऐसे देख लेना दबा कर, राजमा उबल चुके हैं, उबल गए हैं सारे राजमा को, ऐसे दबा कर देख लेना सही है। अब हम क्या क्या डालेंगे, देखो हमने ये चार टमाटर बड़े बड़े चार टमाटर लिए, चार पांच हमने प्याज लिया है और चार पांच हमने हरी मिर्ची ली है, थोड़ा लहसुन अदरक का और लौंग डाल के पेस्ट लिया है, बस यही हम मसाला डालेंगे, बाद में मसाले ऊपर से फिर डालेंगे और ये हम इसके अंदर डाल के पीस लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे इसमें, जीरा थोड़ा लाल हो जाए, फिर इसमें जो हमने मसाला पीसा है उसे डालेंगे। जीरा लाल हो चुका है और इसमें ये मसाला हमने पीसा है। अब इसमें एक बड़ी चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे, एक बार मिर्ची का कलर बाद में डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा। इसको खदका लेते हैं, खदक चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची का कलर बना रहेगा, जो डालेंगे तो कलर सही रहेगा। बहुत कलर सुंदर आया ना, ऐसे कलर आ जाता है बाद में, पहले डालते तो कलर नहीं आता। राजमा डाल देते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, बिल्कुल होटल जैसे राजमा बनके तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। राजमा बन चुके हैं, देखो कलर कितना स्वाद ऐसा अच्छा आया, डाल देते हैं इसके ऊपर। अब इसकी गैस बंद कर देते हैं। हमारे राजमा चावल बनके तैयार हो चुके हैं, जीरे के चावल हैं और राजमा हैं, आपको देखो कैसे लगे, बहुत सुंदर हैं और खाने में बहुत स्वाद होंगे और आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट करना, फॉलो करना और आप ऐसे प्यार देते रहना।